आपको जॉब नहीं करना होगा ये उनकी आ, पहली शर्त थी शादी की आज तुमसे एक प्रॉमिस करती हूँ मैं शादी उसी से करूँगी जो मुझसे दहेज नहीं लेगा जितने हस्बैंड थे जितने ट्रेडर्स थे उनके आंखों को भी भूल सकती क्योंकि वो सब लाल थे मेरे ऊपर कुछ लोगों ने मुझसे कहा दीदी आप इन औरतों का दिमाग खराब कर रही है गधा सिर्फ दिल्ली का है इसलिए मैं उसको बाप तो नहीं कहूँगी हम बिहारी होते बहुत ही कॉन्फिडेंट है हमारा आज का इस्तेमाल बहुत बहुत मायने रखता है हमारे लिए। नमस्कार, मेरा नाम भारती दयाल है और मैं जो स्टॉक के बिहार मंच, जो स्टॉक बिहार मंच पर आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। यहाँ बिहार के उन युवाओं से जिनसे मैं अपने बिहार के इस कला को जोड़ना चाहती हूँ और ताकि वो जान सके और अपनी पूरी स्टोरी अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी उनके साथ मैं शेयर करूंगी सो so देट वो जान सके कि जिंदगी में हमारा अपना सफर और उससे प्यार करना सबसे इम्पोर्टेंट है तो मेरी कहानी शुरू होती है समस्तीपुर से वहाँ जहाँ मिथिला कला जहाँ जिस जहाँ जन्म से ही मुझे मिथिला कला के बारे में बताया गया मिथिला कला हमारे बिहार की मिथिला की एक परंपरा एक संस्कृति है जो रामायण काल से चली आ रही है वहाँ के लोगों के अंदर हम हर फेस्टिवल में हर जगह हमेशा चाहे जब भी कोई फेस्टिवल होता है कोई त्यौहार है या रिचुअल्स है उस वक्त में हम मिथिला कला से मिथिला पेंटिंग से अपने घर को अपने परिवार को और अपने आंगन को सजाते हैं मैंने साइंस की पढ़ाई की उसमें ग्रेजुएशन किया बॉटनी से बीएससी उसमें मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और उसके बाद एमएससी की पढ़ाई के लिए और बीएससी की पढ़ाई भी मैंने सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा से की मिथिला यूनिवर्सिटी का चूँकि वो बेस्ट कॉलेज था तो एक तो साइंस पढ़ना दूसरा सबसे बेस्ट कॉलेज में जाना ये इम्पोर्टेंट होता है आपको अपने आप में अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हाँ आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं बीएससी करने के बाद जब मैं एमएससी गई तो फर्स्ट ईयर की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ मैं एम का फर्स्ट ईयर था और कॉलेज की छुट्टियाँ हुई जब कॉलेज की छुट्टियाँ हुई तो उसके बाद जब हमारे घर में वैसे भी हमारे एम में पच्चीस स्टूडेंट थे उसमें चार या पाँच लड़कियाँ थी बाकी सब लड़के थे मैक्सिमम सत्तर प्रतिशत लड़कों के किसी का देख रही हूँ मैं पैर रंगा है किसी का हाथ रंगा है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सबके सब के रंगे रंगाए क्यों पहुँच गए इस कॉलेज में जब अब छुट्टी के बाद मैंने जब पूछा उसमें से एक आनंद मोहन झा मुझे आज भी याद है जब मैंने उससे पूछा कि अच्छा आनंद तुम इतनी इतना सज के क्यों आयो तो उसने बोला अरे मेरी शादी हो गई ना इसीलिए आया मैंने कहा अभी शादी हो गई एम किया अभी तो फर्स्ट ईयर ही है अभी तो ग्रेजुएशन किया अभी तुम्हारा आए कोई जॉब नहीं हुआ है ऐसे कैसे शादी हो गई अब तो मैंने बोला और क्या तुमको दहेज भी मिला उसने बोला हाँ मुझे तो दहेज भी मिला और वो भी एक लाख रुपया मैंने कहा एक लाख रुपया तुम्हे तो किस बात के दिए गए बोला मैं फर्स्ट क्लास टेंथ हूँ फिर मैंने कहा अच्छा अगर तुम फर्स्ट क्लास टेंथ हो तब तो मुझे दस लाख लेना होगा क्योंकि मैं तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ आहद उन्होंने कहा तुम लड़की हो तुमको दहेज तो कभी नहीं मिलेगा मैंने कहा लेकिन मैं आज तुमसे एक प्रॉमिस करती हूँ मैं शादी उसी से करूँगी जो मुझसे दहेज नहीं लेगा क्योंकि मुझे उस वक्त भी ये कॉन्फिडेंट था ये आत्मविश्वास मेरी पढ़ाई का था या मेरे घर का इनके इन्वामेंट का या आप ये कहेंगे हम बिहारी होते बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं हमारा आत्मविश्वास बहुत बहुत माने रखता है हमारे लिए हमारे अंदर एक गट्स है आप इसको माने या ना माने मैं मानती हूँ क्योंकि इसने मुझे अपनी ज़िंदगी में जब मैं दिल्ली आई तो आगे बढ़ने में बहुत हेल्प किया वहाँ के लोग यहाँ के लोग आपको एक पहले ना एक बिहारी करके कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से आप पीछे चले जाए जो होने वाला नहीं था तो स्पेशली मेरे केस में तो नहीं और एक दिन तो मैंने बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर के सामने ये कह दिया कि गधा सिर्फ दिल्ली का है इसलिए मैं उसको बाप तो नहीं कहूँगी ये लड़ाई थी लंबी लड़ाई थी अब आपको मैं उसके बाद बता रही हूँ एम जब कम्प्लीट कर लिया तो उसके बाद मैं समस्तीपुर आ गई अब एक बात और बहुत ही इंटरेस्टिंग बताऊं मैं आपको बिहार की कि जब लड़कियों की पढ़ाई हो जाती है तो सबसे पहला ध्यान जाता है कि अब उनकी शादी कितनी जल्दी कर दी जाए सो so दैट हमारे पेरेंट्स को अब सब जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वो है उनको अपने कर्तव्यों से मुक्ति मिल गई वो हम और अरेंज मैरिज होगा क्योंकि आप जानते हैं बिहार में बहुत कम परमिशन थी उस वक्त तो सोचा भी नहीं आ सकता था कि हम कोई कोई लव मैरिज करें कोई अपने बारे में सोचे कि वो खुद शादी करेगा तो अरेंज मैरिज थी तो अजय हमारे मेरे पति उनका जो आई थे उनका रिश्ता हमारे घर में आया जो जब उनका रिश्ता घर में आया तो लड़का आई है और फिर अच्छा है घर परिवार सब अच्छा है तो ना कहने का तो सवाल ही नहीं है फिर जल्दी जिल, जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है सब कुछ अच्छा था घर अच्छा था खानदान अच्छा था तो अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अजय ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कह दिया था कि चूंकि मैं ज्यादातर टूर पे होता हूँ तो मैं मेरे से ये नहीं होगा संभव कि आप भी जॉब करें और मैं भी जॉब करूँ तो आपको जॉब नहीं करना होगा ये उनकी पहली शर्त थी शादी की हमारे घर वालों को कोई अब नहीं था क्योंकि उनको लगा था कि ठीक है हो जाएगा हो सक उनको लगता था कि ठीक है हो जाएगा अब पढ़ाई तो हो ही गई है अब शादी हो गया इससे बेहतर सेटलमेंट क्या होगा यहाँ तक का सफर मेरे पिता के द्वारा तय किया हुआ और अब आगे का सफर मेरे पति के द्वारा तय किया हुआ था कि मुझे नौकरी नहीं करनी थी मैं चुप रही ठीक है क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी औकात भी नहीं थी कि मैं बोल सकूं और ना ही उस वक्त में इतनी समझ ये सफर जो था ये उन दोनों का तय किया हुआ था और मैं उस सफर पे चल पड़ी थी लेकिन इस सफर में एक चीज जरूर इम्पोर्टेंट था कि मैंने जो ये प्रॉमिस की थी अपने दोस्त से कि मैं दहेज देकर तो शादी नहीं करूँगी वो सच था तो अजय का ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा था तो इस बात का कम्प्रोमाइज करने में मुझे उस वक्त में कुछ भी बुरा नहीं लगा था कि हाँ मैं घर में रह के मैं जॉब नहीं करूँगी मैं घर में रहूँगी अब जब मैं दिल्ली आई तो यहाँ की जब एग्जीबिशंस में जब जब मैं जाने लगी या दिल्ली या फिर बॉम्बे भी गई थी मैं बहुत मद्रास भी गई कलकत्ता भी गई तो मैंने देखा एक बात बहुत इंटरेस्टिंग था कि जितने भी वहाँ मिथिला कला से संबंधित कलाकार आते थे जो एग्जीबिशन करते थे उनके पास जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक फैक्ट्री में तैयार प्रोडक्ट है सारी मिथिला कला एक ही तरीके की एक ही घसाई एक ही लिखाई यहाँ तक अगर एक पेंटिंग में ओम उल्टा लिखा है तो सारी पेंटिंग में ओम उल्टा लिखा है मैं मेरे अंदर कुछ खल रहा था मैंने वहां के लोगों से जो मिथिला के -कला कलाकार जो लोग वहां बैठे थे मैंने उनसे पूछा कि इसको आपने अगर ये ओम उल्टा तो आपने इस ओम को उल्टा क्यों बनाया है बाकी भी पेंटिंग्स में तो बोले नहीं नहीं एक कलाकार एक जो बनाता है वो वही बनाता है मैंने कहा मतलब आप क्या कलाकार खुद नहीं है तो उन्होंने बोला नहीं हम ट्रेडर हैं हमको एग्जीबिशन में आने का यहाँ परमिशन होता है या हमारी पत्नी बनाती है या हमारी बहन बनाती है या हमारी दादी बनाती है मुझे लगा कि अब यहाँ इसमें कुछ कमी है इसकी ग्लोरी खत्म हो रही है इसकी सुंदरता ख़त्म हो रही है लोग फैक्ट्री प्रोडक्ट के तरीके से मिथिला कला को ले रहे थे चर्निंग ऑफ क्राफ्ट आप कह सकते हैं चर्निंग ऑफ आर्ट था ऐसे में तो ये कला मर जाती और मर जाएगी ये श्योर था मैं अब जब अगली बार जब मैं अपने मायके लौट रही थी तो मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन था कि मुझे जितवारपुर जाना है मधुबनी जाना है और इन लोगों को जो जो ये ट्रेडर थे या किसी के पति थे या किसी का भाई था उन सबको मैंने उनसे मिलके मैंने कहा मैं जितवारपुर में आपसे मिलूंगी वहाँ मधुबनी जब मैं अगली बार घर आऊंगी जब मैं पहली बार गई तो पहले मुझे जानना ये ज़रूरी था कि आखिर ये असली सिचुएशन क्या है जिसमें ये कलाकार अपने मन की बात नहीं कह रहा है ये कला एक फैक्ट्री प्रोडक्ट की तरीके से क्यों हो गई है तो मैं जब वहाँ गई और जब मैंने उन कलाकारों से मिला जो सचमुच बनाते थे उसमें से कुछ बहुत सचमुच अच्छा भी बना रहे थे पर उनके चेहरे पे एक उदासी थी एक कमी थी जो मुझे खल रही थी मैंने उस वक्त में उनसे ज़्यादा एकदम बात नहीं की तो जब मैं दूसरी बार गई तो मैंने उन कलाकारों से और वो भी कॉन्फिडेंट हो गए थे वहां मैंने कुछ पेंटिंग थोड़ी सी खरीदी थी ज़्यादा नहीं उस वक्त में खरीदी लेकिन उन उनको भी कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ भाई दीदी आके कलाकारों से मिलना चाहती है ये क्या कर रहे हैं कलाकार इसके बारे में लेकिन मेरा मकसद तो कुछ और था तो उन कलाकारों से मैंने पूछना शुरू किया कि जो आप जो आप अपनी पेंटिंग बनाती है उसका पैसा कहाँ जाता है तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि हमरा पास कहाँ आबू दीदी जेल ले वापस पैसा नहीं आके। चाहे वो ट्रेडर मतलब अहाँ के हस्बैंड तो बोलता है कि मेरे हस्बैंड भी नहीं दीन आके बहुत मंगली तो पचास चाहे सौ टा रुपया पकड़ा से ज़्यादा नहीं मिले छे। मैं समझ गई भूखे पेट ना इनोवेशन हो सकता न ही सुंदरता पे बात हो सकती है कला मर रही थी कलाकार मर रहे थे मेरे उसी वक्त में मेरा मकसद मेरे भगवान ने मेरे सामने कर दिया था मेरा सफ़र तय हो गया था मगर उस पर चलना कैसे है और किस तरीके से मैं उस सफ़र को आगे लेके बढूं इसमें अभी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज को लेना था घर आई वापस तो मैंने अजय को बस ऐसे ही कहा और उनसे पूछा क्योंकि उनकी परमिशन बहुत पहले इंपॉर्टेंट थी जो प्रॉमिस किया था कि मैं जॉब नहीं, नहीं करूँगी तो मैंने उनसे ये पूछा कि अजय अगर मैं कोई काम घर में रह के करूँ जिसमें मैं बच्चों को भी देख लूँ सारा अपने काम को भी देख लूँ तो क्या मुझे इसकी परमिशन है तो अजय ने मुझसे कहा कि अगर तुम अपना कोई काम शुरू करना चाहती हो तो दिमाग में एक बात क्लियर रख लो कि उसके अप्स एंड डाउन्स तुमको खुद झेलने हैं उसकी उसके किसी भी अपसेन्डाउस को या अच्छाई बुराई को लेकर मेरे पास आना नहीं होगा और ना ही मैं उसमें तुम्हें कोई सहयोग कर पाऊंगा दूसरी बात जो उन्होंने बहुत ही आप कहेंगे थोड़ी तल्खी से कहा था वो ये था कि अगर हर मर्द अब सोचो कि अगर हर मर्द हर औरत के पीछे जाने लगे तो दुनिया का तो कामकाज ही बंद हो जाएगा मुझे भी सही लगा क्योंकि इस बात ने मुझे एक चैलेंज दिया था। मैंने उनसे कहा मुझे सिर्फ तीन हजार रुपए उधार चाहिए जो मैं थोड़े दिन में वापस दूंगी अपने पति से रुपये उधार लेकर मैं जितवारपुर पहुंची और जब मैं जितवारपुर पहुंची तो उस वक्त तक मैंने ये सोच लिया था कि मुझे पैसे तो कलाकारों के हाथ में ही देना है कोई भी हो मैं इनको नहीं दूंगी ना तो मैं ट्रेडर को दूंगी ना, ना मैं किसी के हस्बैंड को देने वाली मैं उन तक पहुंचना चाहती थी ताकि उनका आत्मविश्वास बने वो और बेहतर काम कर सके जब मैं वहां पहुंची जितवारपुर और जब मैंने पेंटिंग देखना शुरू किया तो जब सारे लोग बैठे थे जेंट्स लोग भी बैठे थे सारे ट्रेडर्स कुछ थे उनके हस्बैंड भी बैठे हुए थे सब लोग कोई कोई भी कोई भी औरत अकेले आके अपनी पेंटिंग नहीं बेच सकती थी कोई ना कोई उसके साथ होता था चाहे वो ट्रेडर होगा या उसके पति होंगे या उसके घर वाले होंगे ये तो तय या फिर एक दलान पे बेचने के लिए बिठा दिया जाता था, था जहाँ पे मतलब औरतों को तो, तो परमिशन ही नहीं थी सारा जेंट्स तय कर रहे थे लेकिन जब मैंने अपनी मैं पेंटिंग सेलेक्ट किया मैंने और वो पेंटिंग सेलेक्ट करने के बाद जब मैंने वो पैसे एक एक करके उन वो तीन हजार रुपए उन, उन कलाकारों में बांटने शुरू किए तब तो जैसे हंगामा हो गया सारे जितने वहां जेंट्स थे वो सब करीब मेरे ऊपर मतलब अजीब सा माहौल था मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना मजा लेकिन मैं रेडी थी उसके लिए कि वो इतना मजेदार था कि सब लोग मुझे कह रहे हैं दीदी ये क्या हुआ ये पैसा उसको क्यों दे रहे हैं आप आ, मैंने बोला क्यों कलाकार बनाया वो है तो पैसा उसको मिलेगा मैं उसको ही दूंगी नहीं 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 आहा क्या दे सके उकरा वो उकरा दिमाग खराब होते मतलब के दिमाग में रहते बिगाड़ बिगाड़ रही थी मगर मैं तो जान रही थी कि मैं उसको बिगाड़ नहीं रही उसको बना रही हूँ वो ये एक ऐसा अजीब से सिचुएशन को मैंने झेला कि मुझे बहुत आज के दिन में भी बहुत हंसी आती है मगर मैं कहाँ रुकने वाली थी मैंने उन्हीं कलाकारों को उन्हीं कलाकारों के हाथ में उनका पैसा थमाया और उन तक वो चेहरा वो सुंदरता वो चेहरे की मुस्कुराहट जो उन कलाकारों को का पैसा उन महिला कलाकारों का पैसा उन तक पहुंचने पर उनके चेहरे पे आई थी वो आप कहेंगे वो मेरी जिंदगी भर की आ, कमाई कह सकते हैं आप उसे जो आज तक बनी हुई है अब जब भी कोई भी कलाकार अच्छी पेंटिंग बेचता है वो मुझे जरूर बताता है वो मुझे जरूर कहता है और हर हर मुस्कुराहट हर मुस्कुराहट में मुझे मैं दिखाई देती हूँ मेरी मुस्कुराहट होती है वही जो मैंने कहा एक से अनंत हो जाना है ये एक से अनंत हो जाना है ये मिथिला कला के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट आप कहेंगे जो सबसे बड़ी उस वक्त में बुराई थी वो ये थी कि बहुत ही फ्रेगमेंटेड था कास्ट्यूज में बटा हुआ जाति में बटा हुआ जितने स्टाइल थे वो हर तरीके के हर कलाकार में अलग अलग तरीके से जोड़े गए थे अगर कोई दुसाद है तो वो सिर्फ गोदना बनाएगा अगर कोई ब्राह्मण है तो वो सिर्फ भरनी बनाएगा और कोई कास्त है तो सिर्फ कचरी बनाएगा कोई अगर जिसको टेक्स्ट का पता नहीं या किसी अगर किसी ही पंडित होकर नहीं बैठ रहा वो तो तांत्रिक नहीं बना सकता और अरिपन चूंकि सबके लिए था तो सब बना रहे थे सब कुछ इतना इजी नहीं था बहुत ही ऑट्स एंड आप कहेंगे विसंगतियों को झेलना था मुझे पूरे सामाजिक सिस्टम को चेंज करने का चैलेंज था तो मैंने उनके कॉन्फिडेंस के लिए अपनी पे, खुद ही पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया सो so दैट वो समझ सके और चूंकि मेरे पास अनुभव था बाहर के लोगों का तो सब्जेक्ट चेंज करना है हमें कलर्स चेंज करने हैं ताकि वो बेहतर और बेहतर कर सके परमानेंट हो सके ये पेंटिंग कला और बेहतर हो सके उसके एक सुधार के लिए विदाउट डिविएटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल कोर बिकॉज हमारा ट्रेडिशनल कोर अपने आप में बहुत ही बेहतर है हम उसके बाद जब मैं यहाँ दिल्ली आई और मैंने अपना काम शुरू किया तो जब मैंने शुरू किया और जहाँ जहाँ तक मैं अपने जो जब अपने एजुकेशन में मैं जब टॉप किया था मैंने और फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थी नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप था तो नेशनल अवार्ड मिलना की तरफ जाना और लेना ये तो मेरा मकसद था और ये मकसद इसलिए भी था क्योंकि मैंने अपनी पेंटिंग्स में कॉम्बिनेशनस किए थे सभी आर्ट फॉर्म के सभी स्टाइल के तो मैं चाहती थी कि इससे मेरे साथ जुड़े जितने कलाकार वहां के थे वो सबके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ सके और वो समझ सके कि उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा आप कहेंगे मेरे डैडी सबसे ज्यादा खुश थे जो उस वक्त तक समझते थे जिंदगी सिर्फ साइंस से पूरी की जा सकती है नहीं हमारा हर का सफर तय है और उस सफर पे चलना और मैं यही आप सबको भी कहूंगी कि लव योर जर्नी और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है बस एक चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि तो truthful to yourself and others. आपको खुद अपने पे आना पड़ेगा आप आपको अपनी पहचान अपने प्यार पे आना पड़ेगा अपनी मोहब्बत में आना पड़ेगा ये मोहब्बत वो जिसने आप कहोगे सीरी फरहाद को नदिया पार करवाई तो क्यों कोई किसी कोई ऑब्स्टिकल हमें हमारे किसी भी काम को करने में रोक सकता है नहीं होता है ऐसा आप मोहब्बत कम करते हैं समाज के लिए आपके अपने नेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे घर में सिर्फ अ, अ, सिर्फ पिता ही नहीं उस दिन मेरे पति भी बहुत खुश थे जिस दिन मुझे अवार्ड मिला और हम सब गए थे जब प्रतिभा पाटिल ने मुझे ये अवार्ड दिया इस अवार्ड को लेने के लिए मैक्सिमम लोग हम हमारे घर से गए थे और यही नहीं हमारे अपने कलाकारों के बीच में भी ये बहुत बड़ी खुशी थी क्योंकि तो इसने उनके कॉन्फिडेंट को भी बढ़ाया था और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ जोस टॉक बिहार मंच की जिन्होंने मुझे इस मंच पे आके अपनी कहानी को अपनी कहानी को बताने के लिए आप सबके सामने लाया और मेरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला मुझे लगता है कि आप लोगों में से अगर दस भी मेरी स्टोरी से इंस्पायर होकर ज़िंदगी में कुछ बेहतर करते हैं अपने क्षेत्र में बेहतर करते हैं ये राधा होना है आपका अपना डिवोशन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं चाहे डॉक्टरी कर रहे हैं या कला है जो क्षेत्र भी चूझे चूज करें आप उसमें राधा हो जाइए वही सबसे सुंदर है हेलो एस्पिरेंट्स हम में से बहुतों का सपना है आई ऑफिसर बनना लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जो स्टॉक्स आपका नंबर कुछ के साथ शेयर करेगा उनमें से एक इंस्टीट्यूट है के एच डी आई एस जो स्टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कॉन्टेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कॉन्टेक्ट करेगी तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है जय हिंद